वेलकम टू डिजिटल अध्यापक। ये आपके पास नेटवर्क है और इस नेटवर्क ए और बी, ए बी सी डी ई एफ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसमें कहा गया है वो ए और एफ के बीच में निकालने कहा गया है। ए यहाँ पे, एफ यहाँ पे। तो अगर ए से एफ को हम फॉलो करें तो हमारे पास पाथ होगा ए बी ई एफ। A, B, E, F is your path from which you have to reach the point A to F. इस path में आपके पास तीन resistances आ रहे हैं, A, B के बीच में R1, B, E के बीच में R2 और E, F के बीच में R3। यही आपको consider करना है। और जिस path को हम follow कर रहे हैं, ये path में resistances series summation में add हैं, तो इस वजह से हम लिखेंगे यहाँ पर In path A to F there are three resistances which are join in series combination, joined in series combination, therefore जो आपका R equivalent आएगा वो जाएगा R1 plus R2 और plus R3। इस हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो R1 की value 10, R2 की value 50 और R3 की वैल्यू आती है 80। अगर आप सबको ऐड करते हैं तो ये हो गया 60 और ये 80 और 60 के मिलकर होता है 140 होगा। तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा A और F के बीच में वो होता है 140। तो बच्चों ये है आपका आंसर जो आपको निकालना था कि R इक्विवेलेंट क्या होगा A और F के बीच में। तो आपका आंसर होगा 140 ओम। जब हम लोग ए और एफ वाले पाथ को फॉलो करेंगे तब आपके सामने ये आंसर आएगा। थैंक यू।